सभी दीदी भैया को नमस्ते। रीता ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जो दीदी भैया हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना मत भूलिएगा। चलती हूँ मैं, अच्छी से रेसिपी बनाकर आप सबको दिखाती हूँ। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखना, आप सबको अच्छा लगेगा। सफाई कर चुकी हूँ और यहाँ पर बर्तन माँज कर धोकर लाकर रख ली हूँ और यहाँ पर लकड़ी रख ली हूँ, सिलबट्टे को धुल ली हूँ। ये तिल है और ये सूजी है और ये चीनी है और ये दरिया है। मैं चलती हूँ, बहुत अच्छी से रेसिपी बनाकर आप सबको दिखाती हूँ। चलती हूँ मैं, सिलबट्टे से सभी सामग्री को पीसती हूँ। पीस लेते हैं, सिलबट्टे से टाइम लगेगा पीसने में, करीब ये 15 मिनट तक लगेगा पीसने में। दरिया को पीसकर मैं दिखाती हूँ आप सबको। चल, मैं दरिया को पीस रही हूँ। देख लीजिए दोस्तों कितना मेहनत लग रहा है, मैं पूरा जांग लगाकर पीस रही हूँ। मैं पसीने के मारे भीग गई, देख लीजिए बहुत मेहनत लगती है पीसने में, किस तरह मैं पीस रही हूँ। थक गई पीसते पीसते। थाली में निकाल लेती हूँ, रख लेती हूँ थाली में। सूजी को पीस लेते हैं, पीस कर आप सबको दिखाती हूँ। सूजी को थाली में रख लेती हूँ। चीनी को पीस लेती हूँ सिलबट्टे से, मैं पीस रही हूँ। देख लीजिए किस तरह पीस रही हूँ चीनी को, बहुत मेहनत लगती है पीसने में। पीस कर आप सबको दिखाती हूँ। चीनी को पीस चुकी हूँ, इसको कटोरी में रख लेती हूँ। मैं तिल को पीस लेती हूँ सिलबट्टे से, पीस को दिखाती हूँ। ये गांव की रेसिपी है, गांव के तरीके से मैं बनाती हूँ। जब बनाती हूँ मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, हम सब खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ये तिल है, मैं इसमें पानी डालकर पीसूंगी। इसको एक बार और पीसते हैं, अच्छी तरीके से पतला हो जाए, तब तक पीसना पड़ेगा। मैं तिल को पीस चुकी हूँ, प्लेट में रख लेती हूँ। सभी सामग्री को पीस ली हूँ सिलबट्टे से। चलती हूँ मैं, इसमें मिक्स कर देती हूँ। ये तिल है और ये दरिया है, ये सूजी है और चीनी है। इसमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेती हूँ हाथ के सहायता से। देख लीजिए मैं किस तरह कर रही हूँ। इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ, चीनी का पाउडर है। हाथ के सहायता से अच्छी तरीके से इसको मिक्स करना है, हाथों की सहायता से। ये अच्छी तरीके से फूल जाए तब बने। मैं 1 घंटा के लिए इसको ढक देती हूँ थाली से। 1 घंटा हो चुका है, मैं चलती हूँ। इसी देख लीजिए किस तरह हमारा ये पेस्ट बना हुआ है। मैं चलती हूँ, इसको बनाती हूँ। थोड़ा सा पानी लगा ले, मैं इसी तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर रख देते हैं। यहाँ पर हमारा श्रियांश बैठा हुआ है, रोने लगता है, इसलिए मैं पास में बैठाई हूँ। यहाँ पर तरीके से बनाकर आप, मैं प्लेट में रख लेती हूँ। मैं इसी तरीके से बना ली हूँ, अब इसका डिजाइन बना देती हूँ। ये पलटा है, इसी तरीके से मैं बना देती हूँ डिजाइन। देख लीजिए किस तरह बन रहा है। प्लेट में रख लेती हूँ, दूसरे को डिजाइन बना लेती हूँ। देख लीजिए किस तरह बन रहा है, किस तरह हमारा डिजाइन बना हुआ आप सब देख लीजिए। यहाँ पर हमारा वीडियो अधेरा आता होगा, मैं चलती हूँ बाहर बनाकर आप सबको दिखाती हूँ।
कढ़ाई से लेप लगा देती हूँ। कढ़ाई में लेप लगा चुकी हूँ, यहाँ पर रख देती हूँ। चूल्हा जला रही हूँ, लकड़ी को रख रही हूँ। चूल्हा हमारा जल गया, लकड़ी रख रही हूँ, कढ़ाई को रख देती हूँ। मैं रिफाइन का तेल डाल देती हूँ। तेल हमारा गर्म हो गया है, कढ़ाई में डाल देती हूँ। अच्छा से बनता है, देती हूँ पलटे की सहायता से। इसी तरीके से पलट रही हूँ, देख लीजिए अच्छी तरीके से हमारा खस्ता बन रहा है। पलट चुकी हूँ, खस्ता को छान रहे हैं। मैं इसको निकाल लेती हूँ, देख ये बहुत खस्ता होता है। मैं थाली में निकाल लेती हूँ, निकाल रही हूँ, निकाल चुकी हूँ। दूसरे खान को डाल देती हूँ। खान को छानना है सभी खस्ते को। यहाँ पर देख लीजिए इस्तु यहाँ पर आए हुए हैं खाने के लिए। यहाँ पर सब लोग इंतजार में हैं खाने के लिए। मैं इसको थाली में निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा से बना हुआ है, आप सब बनाना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। ये नया रेसिपी है गांव की। मैं आखिरी खान को डाल देती हूँ, बहुत अच्छा लगता है खाने में। आखिरी खान को निकाल लेती हूँ, निकाल रही हूँ। हमारा खस्ता बन के रेडी हो गया है। मैं इसको थाली में रख ली, तेल को नीचे उतार देती हूँ पलटे की सहायता से। यहाँ इस साइड रख देती हूँ तेल को। देख लीजिए दोस्तों हमारा खस्ता किस तरह बना हुआ, बहुत अच्छा से बना हुआ है। प्लीज आप सब आके खा लीजिए। मैं इसको तोड़ के दिखा देती हूँ, यहाँ पर नीचे रख देती हूँ। देख लीजिए कितना खस्ता बना हुआ है, बहुत अच्छा से बना हुआ है। आप सब बनाना, बहुत अच्छा लगता है खाने में। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो में कोई गलती होगा तो माफ़ करना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।